वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होपफुली सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई आज आपके सामने है अपनी इग्निस, और भाई इग्निस में आप देख रहे होगे, इधर आप देख सकते हो, आज हम इसमें काम करा रहे हैं हेडलाइट अपग्रेडेशन का। हेडलाइट में भाई अभी प्रोजेक्टर नहीं लगवा रहे हैं, अभी ओनली फॉर LED कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो LED हम जो लगाएंगे वो मैक्सलिंक की लगा रहे हैं, और इधर आप देख सकते हो फॉग लैम्प का जो ये प्रोजेक्टर है फॉग लैम्प में लगेगा हाइपरसोनिक। इसके साथ साथ इसमें जो इंस्टॉल करेंगे वो LED करेंगे 130 वॉट की, क्रिस्टल आई के नाम से आती है। और इधर आप देख सकते हो ब्लू पंक के जो पार्किंग वाले जो बल्ब होते हैं, जो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये छोटा सा बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, कैमरे में अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा ये। और इसके साथ ये H4 बड़ा वाला बल्ब है, ये चेंज होगा, इस पर इसकी जगह हम लगाएंगे मैक्सलिंक का R8 सीरीज है भाई, 130 वोट में ये आता है, बहुत अच्छी लाइट है इसकी, बहुत नाम सुना है पर मैं पहली बार यूज़ करूँगा अपनी गाड़ी में, बहुत अच्छी लाइट इसकी बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इधर उस्ताद जी अपना काम चालू कर दिया है, और अभी फिटिंग को प्रॉपर तरीके से खोला जाएगा, प्रॉपर तरीके से खोलने के बाद उसके फिर यहाँ पर प्रोजेक्टर का काम करा जाएगा। लाइट कैसी आएगी वो सारी चीज़ें भी मैं आपको नाइट एक व्यू दिखा दूंगा कि भाई किस तरीके की लाइट आ रही है। लेकिन यार अभी फ़िलहाल जो ये हेलोजन बल्ब लगे हुए थे वो रोशनी नहीं थी, इधर आप देख सकते हो उसमें रोशनी नहीं आ रही थी। इधर उस्ताद जी ने फॉग लैम्प निकाल भी दिया, ये आप देख सकते हो ये रखी फॉग लैम्प, और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई इसमें ये आता है हेलोजन बल्ब आता है, ये देख सकते हो आप। तो भाई ये इस तरीके की कुछ फिटमेंट आती है जो कंपनी से आती है, और जीटा वर्जन है, जीटा वर्जन में भाई इसमें प्रोजेक्टर नहीं आता है, और जो इसका अल्फा वर्जन आता है उसमें आता है प्रोजेक्टर हेडलाइट में, और DRL भी आती है। लेकिन आगे कोई अपग्रेडेशन करेंगे जब दिखा देंगे, अभी फ़िलहाल में इसके जो बल्ब हैं वो हम चेंज कर रहे हैं, H4 साइज इसमें डालेंगे मैक्सलिंक कंपनी का, और क्रिस्टल आई LED डालेंगे आपके प्रोजेक्टर में, तो ये अपग्रेडेशन तो होगी होगी। तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को आपको दिखा देता हूँ, ये वर्किंग भाई ने चालू कर दी है। अली मुस्ताद जी कैसे हो? भाई अली मुस्ताद जी मेरी गाड़ी में काम करते हैं, जितने भी मैं काम कराता हूँ आप बहुत सारी वीडियो में देख चुके होंगे, क्योंकि ये तसल्लीपूर्वक काम करते हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ते, कहने वाली कोई बात ही नहीं रहती बाद में कि भाई ये कमी रह गई या वो दिक्कत रह गई, बहुत तसल्लीपूर्वक काम करते हैं। तो मैं इन्हीं से ही अपनी गाड़ियों में काम कराता हूँ। उस्ताद जी हर गाड़ी में आप ही काम करते हो ना? हाँ जी। तो भाई देख सकते हो उस्ताद जी बता रहे हैं कि हर अली मुस्ताद जी नाम है, तो उस्ताद जी नाम लग ही गया पीछे, तो आप जान ही सकते हो काम कितना बढ़िया करेंगे, तो इसी वजह मैं अली मुस्ताद जी से काम कराता हूँ। तो ये भाई सारा काम होता है, अपग्रेडेशन होती है, फिर मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता रहता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना कराओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स में आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। और भाई कार में मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं, तो भाई वीडियो ज़रूर पूरी पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। और दूसरा किस तरीके से फिटमेंट हो रही है वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि अब आप देख सकते हो उस्ताद जी ने दोनों फॉग लैम्प खोल दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से आगे का व्यू आएगा, तो ये आप देख सकते हो दोनों फॉग लैम्प खुल चुकी हैं। अब इसमें प्रोजेक्टर लगेंगे, हाइपरसोनिक का ब्लू लेंस प्रोजेक्टर है ये जो हम लगा रहे हैं, मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ, से भाई ये हमने अपनी रिट्स में भी यूज़ करा था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन रिट्स में हमने HID के साथ लगा रखा है, लेकिन इस गाड़ी में हम इसको LED के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं। LED के साथ कैसा रिस्पॉन्स आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर उस्ताद जी ऊपर वाली हेडलाइट का काम चालू कर दिया है, नीचे ये प्रोजेक्टर फिट हो चुके हैं, इनके अलाइनमेंट करना अभी बाकी है। तो पहले उस्ताद जी ये पार्किंग बल्ब इंस्टॉल कर रहे हैं जो यहाँ पर डलेंगे, आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर डलेगा ये देख सकते हैं, छोटा सा बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये देखो आगे बाहर, भाई ये निकाल के अब उस्ताद जी इसमें पार्किंग बल्ब लगा देंगे, और
आपको दिखा देता हूँ इधर, ये अभी आ जाएगा। देखो भाई ये आ चुका है अपना पार्किंग बल्ब, और किस तरीके की फिटमेंट आती है वो भी आपको पास से ले जाकर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो भाई बिल्कुल ओके प्रॉपर आया है बल्ब, ये आप देख सकते हो। और इसकी रोशनी कैसी आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इधर अब अपनी LED इंस्टॉल करेंगे उस तरह से। भाई हम जो लगा रहे हैं मैक्स सीलिंग के जो R8 सीरीज़ आती है वो लगा रहे हैं भाई, बहुत अच्छी सीरीज़ है ये भी अपने आप में, क्योंकि इसकी आप एक वो भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। ये एक बार आपको ये दिखा देता हूँ प्रॉपर। भाई देखो इस तरीके से लाइट आती है, और ये इसका हाई लो है, ये पीछे से इस तरीके के, और ये है इसका क्रॉसओवर, ये आप देख सकते हो कैनवास जिसे बोल देते हैं, और ये इसका प्लग है, और इस तरीके से कुछ वायर होती है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है ये भी। तो मैं पहले अपनी गाड़ी में रेट्स में तो भाई आपको पता ही है, जो प्रोजेक्टर हमने इंस्टॉल कराया था उसमें HID है, ऊपर भी HID है नीचे भी HID है, पर इसमें हम सारी LED पे ही काम करा रहे हैं, कोई भी HID नहीं लगाई है। तो कुछ अलग करना था, इस वजह से अलग दिखाना था आप अपने व्यूअर्स को कि भाई HID के क्या फ़ायदे हैं, वो भी एक दोनों गाड़ी की डिफरेंस लाइटिंग का कितना आता है, दोनों गाड़ी को साथ ले जाके रात को, वो एक अलग नेक्स्ट वीडियो या आने वाले टाइम पर आपको इस चैनल पर हमारे पे मिल जाएगी वीडियो कि LED और उसमें अंतर कितना है, तो वो सारी चीज़ें तो दिखाई दूंगा मैं आपको। लेकिन इसमें हम सारा जो वर्क करा रहे हैं वो LED करा रहे हैं, कोई भी HID नहीं है। तो अभी उस्ताद जी थोड़ा सा इस कवर में से इसको निकाल के इसको प्रॉपर फिट कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर ये लाइट का काम हो गया है, इधर प्रोजेक्टर डल चुके हैं, ये रोशनी देख सकते हैं आप, ये पूरा भाई बारिश हो गई थी इस वजह से थोड़ा सा काम में डिले हो गया। तो ये अब इसकी भाई अलाइनमेंट वाला काम चेक करा लेते हैं। अब यहाँ देखोगे तो ये लाइन आ रही है यहाँ, तो इसको हल्का सा डाउन करेंगे, और इसको भी हल्का सा डाउन करेंगे अभी उस्ताद जी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ऊपर होगा तो फिर लो ज़्यादा ऊपर जाएगा, जिससे दिक्कत आती है फिर बाद में। तो उस्ताद जी इसको नीचे कर दो, फिर पीछे लो उसको, भाई ये लाइट वाला काम अपना पूरा हो चुका है। इधर मैं दिखा देता हूँ आप, अगर इधर से देखोगे ये LED डल चुकी है, इधर अपना प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो गया, और इधर साइड से भी दिखा देता हूँ वहाँ भी हो चुका है। बारिश हो गई थी भाई इस वजह से थोड़े से साइड के नीचे आना पड़ा। तो ये गाड़ी में LED लग चुके हैं, प्रोजेक्टर लग चुका है, रात का व्यू कैसा आता है, नाइट का व्यू कैसा रहता है, वो भी मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। भाई मैं लाइट की फिटमेंट के बारे में बता देता हूँ। नीचे हमने देखो प्रोजेक्टर लगाए हैं, ये आपको देख रहा होगा यहाँ पर एक लाइट बनी आ रही है, एक वो आ रही है, और भाई ये देख सकते हो दोनों का फोकस। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके कि बिल्कुल लाइनिंग में लाइट जा रही है, आप देख सकते हो पेड़ पे आपको किनारी भी दिखाई दे रही होगी, लाइनिंग जो बनी आती है देख रहे हो ये लाइन बनी आ रही है। तो भाई ये है अपनी फॉग लैम्प का जो पूरा जो रिजल्ट है, रात का नाइट का जो एक व्यू, और मैंने आपको दिखाया था एक गाड़ी पर भी एक लाइन बनी आ रही थी जहाँ हमने वो देखा था। भाई ये है अपना लो बीम, और ये है भाई हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम, देखो पेड़ पे कहाँ तक जा रही है लाइट। तो भाई ये कुछ इस तरीके का व्यू था लाइट का। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भाई बताइएगा। और हमने नीचे जो लगाए वो IPH विद LED लगाए, ऊपर हमने R8 लाइट लगाई है। तो भाई ये इस तरीके का कुछ फोकस है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइएगा कैसे लगा वीडियो। और इसी तरीके से अश्विनी ब्लॉग्स को प्यार देते रहे, और आगे भी वीडियो को शेयर करते रहें।